ये हाय, जब भी हम कोई भी फ़ोन लेते हैं, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर आप गेमर नहीं हैं तो वो कैमरा डिपार्टमेंट होता है। जी हाँ, हमें एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन चाहिए होता है। तो आज हमारे पास ये आईफोन 11 है, जिसके रियर के अंदर ड्यूल रियर कैमरास मिलते हैं, और दूसरे में हमारे सैमसंग गलेक्सी M31 है, जिसके बैक के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेट मिलता है, मीन्स चार कैमरे मिल जाते हैं। और जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और प्राइस ओनली 15,000 है। आईफोन 11 64,000 कुछ आता है, तो अप्रोक्स 50,000 रुपये का गैप है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो क्या आपको इतनी हाई अमाउंट पे करनी चाहिए, या फिर जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा? तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, एक कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को स्मार्ट लाइक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिए। आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सैमसंग M31 के अंदर फ्रंट के अंदर 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, और आप इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं पे आईफोन 11 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, बट इसके अंदर या फ्रंट के अंदर 4K वीडियो बना सकते हैं। तो दोनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, दोनों के अंदर अवेलेबल है। और वीडियो के अंदर आप यहाँ पे दो चार चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो आपको मैं सैंपल दिखाऊंगा। पहली चीज़, यहाँ पे क्लियरिटी किस में अच्छी देखने को मिलती है। सेकंड, जो कलर टोन वगैरह है वो किस में अच्छा देखने को मिलेगा। और ओवरऑल एट द एंड हम डिसाइड करेंगे क्या हमें एक्स्ट्रा 50,000 रुपये दे के ये आईफोन 11 परचेस करना चाहिए, या फिर जो मिड रेंज वाले फ़ोन आते हैं जिसकी प्राइस बिलो 20,000 रुपीज़ होते हैं, वो भी आपको काफ़ी अच्छा कैमरा कंपेरिजन, या फिर तो कैमरे के जो सैम्पल्स वगैरह होते हैं, फोटोज़ वगैरह होती है, काफ़ी अच्छे ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, और वीडियो के लास्ट के अंदर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो शेयर कीजिएगा, ताकि जो बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉपर आइडिया लग सके एक्चुअल में आपके थॉट्स क्या हैं, जो व्यूअर्स के थॉट्स क्या हैं वो प्रॉपर आइडिया बाकी लोगों को लग सके। तो चलिए, लेट्स सी सैंपल के अंदर कैसे परफॉर्म करने वाले हैं आईफोन 11 वर्सेस सैमसंग M31। तो फ्रंट कैमरा स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आईफोन 11 लेफ्ट हैंड साइड पे है और सैमसंग M31 राइट हैंड साइड पे। कलर टेम्परेचर नॉर्मल नेचुरल आपको आईफोन 11 में ही देखने को मिलेगा, और आप इस फोटो में देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्लाइटली आपको अच्छी फोटोज़ आ रही है, जब यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह ज़्यादा होगी सैमसंग M31 के अंदर। तो 32 मेगापिक्सल डेफिनेटली फ्रंट का काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है सैमसंग M31 के अंदर, और इस फोटो में दोनों डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। कलर टोन डेफिनेटली नेचुरल है आईफोन 11 मिल रहा है, बट यहाँ पे फोटो आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है सैमसंग M31 के अंदर। तो यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज है 32 मेगापिक्सल होने का सैमसंग M31 के अंदर, और जो डिटेलिंग वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यस, यहाँ पे सैमसंग M31 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू आईफोन 11 जब बात आती है फ्रंट कैमरा की। बट जैसे बात आएगी बैक कैमरा की, आप देख सकते हो कलर टोन वगैरह है, कितना अच्छा शार्प दिखा रहा है आईफोन 11 के अंदर सैमसंग M31। कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है, बट बैक के अंदर मुझे कई बार इशू देखने को मिला है। वहीं पर हम बात करें ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेलिंग वगैरह कितनी अच्छी दी गई है आईफोन 11 के अंदर। कलर टोन नेचुरल दे दिया गया है, यहाँ पर M31 भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट स्लाइटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ये हमने नॉर्मल शॉट लिया है, कलर टेम्परेचर और यहाँ पे जो डिटेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट इक्वल ही मिल रही है, और यहाँ पे कौन विनर है ये बड़ा कन्फ्यूजन है। और इस फोटो की बात करते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग है, ओवरऑल जो फोटो की डिटेलिंग है वो आपको आईफोन 11 देखने को मिल रही है कंपेयर टू सैमसंग M31। बट आप एक चीज़ बताइएगा, क्या ये इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देख के पता चल रहा है कि आप यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा 50,000 रुपये पे कीजिए? छोटी सी आपको अगर एडिटिंग वगैरह आती है तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 50,000 रुपये अपने डेफिनेटली एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो यहाँ पर भी फोटोज़ भी कंपेयर करते हैं इन मिड रेंज फ़ोन से, तो उनसे अच्छी मिल रही है, बट मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा 50,000 रुपये करने का कोई सेंस है। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो नेचुरल कलर है आईफोन 11 में देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 18-20 का फ़र्क होगा। जी हाँ, 100% में से आप मान लीजिए अगर आईफोन 11 100 है तो आपको M31 80% के आसपास वही डिटेलिंग वगैरह क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लोजअप शॉट्स की बात की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, और 64 वर्सेस 12 के अंदर क्लोजअप शॉट्स में कुछ पेड़ पता लगने वाला नहीं है। यहीं पे कलर टोन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर भी जो कलर टोन वगैरह दोनों में काफ़ी अच्छी आ रही है। डिटेलिंग स्लाइटली आईफोन 11 की अच्छी है, बट यहाँ पे एक नज़र में, पहल नज़र के अंदर आपको बता पाना कि कौन बेटर है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सैमसंग M31, जी हाँ, डेफिनेटली इसका कैमरा भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये फोटो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल ही परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे पे आईफोन 11 हो चाहे पे सैमसंग M31 हो। तो क्लोजअप शॉट्स के अंदर भी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही परफॉर्म करते हैं। अभी एक यहाँ पे वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं। वीडियो के अंदर डेफिनेटली आईफोन 11 का एडवांटेज है, जी उसका चिपसेट भी अच्छा है। स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है आईफोन 11 के अंदर, और सैमसंग M31 के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे होंगे आईफोन 11 के अंदर। वैसे यहाँ पे इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो लाइटनिंग है स्टूडियो लाइटनिंग है, और जो कलर टोन वगैरह है आपको यहाँ पे क्लियरिटी वगैरह है
आईफोन 11 बेटर देखने को मिलेगी कंपेयर टू सैमसंग M31। तो हमने आपको यहाँ पे सैंपल्स दिखा दिए और आई थिंक आइडिया देने के लिए ये सैंपल सफिशियंट है कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ सिर्फ कैमरा परफॉर्मेंस के लिए देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को सैमसंग M31 के जो फोटोज़ है ज़्यादा अच्छे लगे हो, कुछ को आईफोन 11 के सारे फोटो अच्छे लगे हो, बट ये खुद का पर्सनल टेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे मेरे खुद के पॉइंट दे दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दोनों के कैमरा से सेटिस्फाई हूँ या फिर मैं डिससेटिस्फाई हूँ। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कमी दोनों के कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बात करता हूँ सिर्फ कैमरा नहीं, आईफोन 11 यहाँ पे काफ़ी सेगमेंट में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता होगा। जी हाँ, पहले तो इसको गुडविल आईफोन का नाम है वो बहुत बड़ा है, साथ ही जो A13 बायोनिक चिप है काफ़ी अच्छा है, हाई एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर आप गेम वेम खेलने वाले हैं कहीं भी आपको लैग बैग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट क्योंकि जो टाइम है यहाँ पे, आप मान लीजिए अगर किसी प्रोफेशन के अंदर है, आपको सिर्फ मीटिंग्स वीटिंग अटेंड करनी होती है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग मेल्स वेल्स चेक करने होते हैं, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन प्रीफर कीजिए जिसका आपको बैटरी अच्छी मिलती हो। सैमसंग M31 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको यहाँ पे बैटरी में कोई शिकायत नहीं आएगी। आईफोन 11 की बैटरी अच्छी है, बट आप मान के चलिए मुश्किल से अगर आप हैवी यूज़र हैं तो एक दिन सर्वाइव करके दे देगा, बट M31 अगर आप हैवी यूज़र हैं तो भी आपको 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा। तो यहाँ पे आई थिंक सिर्फ यहाँ पे अगर आपको शो ऑफ ज़्यादा करना है और आप एक गेमर हैं तो डेफिनेटली आप आईफोन 11 के लिए चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ कैमरा है और आपको ऑफिस पर्पज़ के हिसाब से फ़ोन चाहिए, तो मैं कहूँगा आप कोई अच्छा खासा मिड रेंज वाला फ़ोन वो प्रीफर कीजिए। एक्स्ट्रा 40,000-50,000 रुपीज़ पे करने का कोई सेंस है ही नहीं जब बात आती है कैमरा डिपार्टमेंट की, और ये चीज़ आपको सैम्पल के थ्रू भी आइडिया लग गया होगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आईफोन 11 और M31 के कंपैरिजन के हिसाब से आपका क्या व्यू पॉइंट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टा का अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक अप नाम से बना हुआ है वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के वीडियो बस इतना ही, स्टे होम स्टे सेफ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, सी यू ऑन डाटा, बाय बाय, टेक केयर।